वेलकम टू सिन्हा कॉमर्स क्लासेस। क्या आप 12th बोर्ड का एग्जाम देने वाले हैं? चाहे आप किसी भी स्ट्रीम से हो, आप कॉमर्स स्ट्रीम से हो, साइंस स्ट्रीम से हो या आर्ट्स ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम से हो, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि कौन कौन सा स्ट्रेटेजी को यूज करके मैक्सिमम परसेंटेज एग्जामिनेशन में गेन करे, ऑब्टेन करे, राइट। तो इस वीडियो में हम आपको क्या करेंगे, 5 पॉइंट्स के बारे में बताएंगे। इस 5 पॉइंट्स को अगर आप अपने आपका एग्जामिनेशन में इम्प्लीमेंटेशन करते हैं तो बिल्कुल 100% कन्फर्म है कि आपका एग्जामिनेशन में मार्क्स जो है, परसेंटेज जो है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा, राइट। तो हम लोग क्या करेंगे, एक एक पॉइंट्स के बारे में क्या करेंगे, अच्छे ढंग से समझेंगे और आप लोग भी जब आप एग्जाम देंगे या एग्जामिनेशन के पहले ये पांचों पॉइंट्स के बारे में अच्छे ढंग से आप क्या करेंगे, कंसीडर कर लेंगे, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, हम लोग एक एक पॉइंट्स को हम लोग क्या करेंगे, एक्सप्लेन करना शुरू करेंगे। सबसे पहले बोलता है नो योर चैप्टर्स। बात को समझिएगा, आपका जो 12th बोर्ड का एग्जाम होता है उसमें जो बोर्ड है ये देखना चाहता है कि बच्चा जो है वो चैप्टर्स को जानता है या नहीं, बच्चा जो चैप्टर से, जो स्टूडेंट्स है वो चैप्टर से वाकिफ है या नहीं, वो चैप्टर्स को पढ़ा है या नहीं। बोर्ड जो होता है, क्लास 12th का जो बोर्ड का एग्जाम होता है उसमें बहुत ज्यादा लॉन्ग प्रोसेस का क्वेश्चंस नहीं आएगा। क्वेश्चंस इस प्रकार से पूछा जाता है कि सिंपली आपका क्या रहेगा, क्वेश्चंस रहेगा, ट्रिकी रहेगा और कम समय वाला पूछा जाएगा, बहुत ज्यादा लॉन्ग आपका क्वेश्चंस पूछा जाता नहीं है। तो बस बोर्ड ये देखता है कि एग्जामिनेशंस जो आपका लिया जाएगा, जो क्वेश्चन सेट किया जाएगा वो इस प्रकार से सेट किया जाता है कि जो आपका चैप्टर्स है उसका बेसिक इन्फॉर्मेशन स्टूडेंट्स को पता है या नहीं। अगर चैप्टर क्या किया है, स्टूडेंट्स पढ़ा है, तो उसका कोई भी आपका क्वेश्चन रहेगा वो क्या करेगा, उसका आंसर दे देगा। लेकिन चैप्टर पढ़ा ही नहीं है, चैप्टर पढ़ा ही नहीं है तो छोटा से छोटा उस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा तो स्टूडेंट्स बना पाता नहीं है। तो मेरा सीधा सा कहने का मतलब है कि हर चैप्टर आपको पढ़ना पड़ेगा और हर चैप्टर से रिलेटेड बहुत ज्यादा लॉन्ग वाला क्वेश्चन नहीं बनाना है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं बनाना है, सिंपल यानी हर चैप्टर का बेसिक बात आपको पता है या नहीं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं कॉमर्स का, कॉमर्स में अकाउंटेंसी जो चैप्टर नंबर फर्स्ट है क्लास 12th के अकाउंटेंसी में, NPO, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, तो उस चैप्टर से रिलेटेड आपको बेसिक बात पता है कि नहीं। जैसे कि आपका नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन किसे कहते हैं, आपका इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट किसे कहते हैं, रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट्स किसे कहते हैं, तो बेसिक बात वो क्या करेगा आपसे पूछेगा, कैपिटल रिसीप्ट्स, रेवेन्यू रिसीप्ट्स, कैपिटल पेमेंट्स, आपका रेवेन्यू पेमेंट्स, तो बेसिक बात आपको पता है या नहीं इसके बारे में क्या करेगा वो पूछेगा, चाहे पार्टनरशिप हो, चाहे कंपनी हो, और भी जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है, अकाउंटिंग रेशियो, ये सब आपका क्लास 12th के अकाउंटेंसी का क्या है, सिलेबस है। अगर बात किया जाए बिजनेस स्टडीज का तो पूछेगा मैनेजमेंट किसे कहते हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, उसके बाद जो बी पार्ट में है उसमें क्या क्या पूछ सकता है, आपका फिनांस और मार्केटिंग से रिलेटेड बातें पूछ सकता है, उसका भी हम क्या करेंगे बहुत जल्द अकाउंटेंसी का, बिजनेस स्टडीज का और इकोनॉमिक्स का कौन कौन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जामिनेशन में आ सकता है उसका भी वीडियो बना के बहुत जल्द हम क्या करेंगे अपने जो चैनल इस पे क्या करेंगे हम लोग अपलोड कर देंगे। तो आप मेरे चैनल के साथ जुड़े हुए रहिएगा। तो अगर अभी तक आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को क्या करेंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि जैसे ही मैं वीडियो डालूंगा उसका सबसे पहले आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, राइट। तो पहला आपने पॉइंट को समझा, नो योर चैप्टर्स, यानी जो भी आपका चैप्टर्स है उसके बारे में आपने पढ़ा है या नहीं, बस ये आप ध्यान रखिएगा। बहुत ज्यादा एडवांस, बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग क्वेश्चंस एग्जामिनेशंस में आता नहीं है, खासकर 12th एग्जाम में तो पूछेगा ही नहीं, सिंपली पूछेगा कि बच्चा चैप्टर से वाकिफ है या नहीं, राइट। तो आप क्या करेंगे, हर चैप्टर्स का जो बेसिक बातें होती है वो क्या करेंगे, जरूर से जरूर पढ़ लेंगे, ठीक है जी। पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या हुआ, साइकोलॉजी तौर पर आपको क्या होगा, स्ट्रांग बनना पड़ेगा, मनोवैज्ञानिक तौर पे आपको स्ट्रांग बनना पड़ेगा, मानसिक तौर पे आपको मजबूत बनना पड़ेगा। देखिए एक बात तो आप समझ रहे हैं ना कि जैसे जैसे आपका एग्जामिनेशन नजदीक आता है स्टूडेंट्स लोग क्या होता है, घबराने लगता है, क्या क्वेश्चन आएगा, मेरा एग्जाम कैसा जाएगा, कभी कभी क्या होता है पूरा पढ़ लेता है उसके बाद उसको फील होता है कि मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं, मेरे को क्या हुआ कि कुछ आपका छूट गया है। वो जब तक आप एग्जाम नहीं दे के निकलेंगे, पेपर दे के नहीं निकलेंगे, तब तक आपको फील होते रहेगा कितना भी आप पढ़ लेंगे, राइट। लेकिन आपको लगेगा कुछ कमी रह गया,
कुछ मैंने क्या किया पढ़ा नहीं है, ऐसा साइकोलॉजिकल तौर पे होता है, कोई दिक्कत नहीं है। जितने भी लाखों लाख स्टूडेंट्स क्या करेंगे, एग्जाम देंगे, चाहे वो बिहार बोर्ड का हो, सीबीएसई बोर्ड का हो, झारखंड बोर्ड का हो, यूपी बोर्ड का हो, या और भी जो भी बोर्ड्स का हो, सभी स्टूडेंट्स के साथ ये प्रॉब्लम होता है। वो जितना पढ़ते चला जाएगा और कभी कभी उसको फील होगा कि मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं, अभी क्या हुआ, ये चीज छूटा हुआ है, ये क्वेश्चन हमसे बन नहीं पा रहा है, वो सभी स्टूडेंट्स के साथ ये आपका प्रॉब्लम होता है। तो आप उसका टेंशन नहीं लेंगे, आपका जितना होगा 100% एफर्ट के साथ क्या करेंगे, आप पढ़ते चले जाएंगे। आपको मानसिक तौर पे, साइकोलॉजिकल तौर पे मजबूत होना अति आवश्यक होता है। आप देखते हैं ना कि जो हमारे सोल्जर लोग होते हैं वो माइनस डिग्री में भी क्या करते हैं, वो अच्छे ढंग से क्या करते हैं, हमारा देश को सुरक्षित सुरक्षा क्या करते हैं, प्रदान करते हैं, राइट। तो वो तो फिजिकली तौर पे तो स्ट्रांग होते ही है, साथ में वो मानसिक तौर पे भी बहुत ज्यादा क्या होते हैं, स्ट्रांग होते हैं। तभी तो अपना घर फैमिली को छोड़ के देश के बॉर्डर पे क्या करते हैं, माइनस डिग्री में, बहुत ज्यादा आपका ठंड में, बहुत ज्यादा गर्मी में, हर सिचुएशंस में क्या करते हैं, वो अच्छे ढंग से हमारे देश को सुरक्षा प्रदान करते हैं। तो वो जनरली क्या होते हैं, साइकोलॉजिकल तौर पे, मानसिक तौर पे मजबूत होते हैं। ठीक उसी प्रकार से आपको भी मानसिक तौर पे मजबूत होना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका क्या एग्जाम है, क्लास 12 का एग्जाम है, तो क्या ये लास्ट एग्जाम है आपके लाइफ का? ऐसा नहीं है। फिर आप देंगे बीकॉम का एग्जाम देंगे, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। अगर आप मास्टर डिग्री करना चाहेंगे तो एमकॉम का एग्जाम देंगे। आने वाले समय में कितना सारा कॉम्पिटेटिव एग्जाम देंगे नौकरी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आने वाले समय में बहुत सारे एग्जाम्स देने हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपके जिंदगी का लास्ट एग्जाम है, ऐसा नहीं है। तो आप क्या करेंगे, पूरा साइकोलॉजिकल तौर पर स्ट्रांग हो जाएंगे, एग्जाम में देंगे अपना 100% देंगे। परसेंटेज क्या आएगा नहीं आएगा उसका निर्धारण आप नहीं कीजिए, आपका काम है, आपका काम है, स्टूडेंट्स का काम है कि अपना 100% क्या करे, वो अपने एग्जामिनेशन में दे, और अच्छा से करेगा तो अच्छा रिजल्ट आता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है जी। तो आप साइकोलॉजिकल तौर पर क्या हो जाएंगे, मजबूत हो जाएंगे, अच्छे ढंग से एग्जाम देंगे। कोई ऐसा ज्यादा नहीं है कि आपको क्या करना है, एकदम मेंटली क्या प्रेशर ले लेना है कि क्या होगा कैसे होगा, ये सब सोचना नहीं है। आप अपना 100% दीजिए, बाकी अपने इस पर क्या कीजिए, आप छोड़ दीजिए, ठीक है। फिर क्या है आपका राइटिंग स्किल, इसको समझिएगा, आपका राइटिंग स्किल कैसा है, आप लिखते कैसा है, ये सबसे ज्यादा क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि राइटिंग स्किल पे ही डिपेंड करता है कि आपका मार्क्स कैसा मिलेगा। अगर आपका राइटिंग स्किल अच्छा नहीं होगा, लिखने का शैली अच्छा नहीं होगा आपका, तो आपका मार्क्स क्या होगा, आपका कम आ सकता है, सीधा सा बात है। जैसे आप जानते बहुत कुछ है, आप जानते बहुत कुछ है, अगर आपसे पूछा जाए तो आप मौखिक तौर पे, ओरल तौर पे अच्छे ढंग से एक्सप्लेन कर पाते हैं, लेकिन क्लास 12 में आपको थोड़ी है ना वहां बोलना है, वो तो आपका क्या होगा, राइटिंग देखेगा जी कि आपने कैसे किसी पॉइंट्स को, कैसे किसी चीज को कितने अच्छे ढंग से एक्सप्लेन किया है। तो आप क्या करेंगे, राइटिंग स्किल क्या करेंगे, डेवलप करेंगे। और मुझे पता है जो राइटिंग स्किल होता है वो वन डे गेम नहीं होता है, एक दिन में आप सोचेंगे कि आपका राइटिंग स्किल अच्छा हो जाए, ऐसा पॉसिबल पॉसिबिलिटीज नहीं है। इसके लिए क्या होता है, टाइम लगता है, कोई बात नहीं है, आपने पहले से भी क्या किया होगा, राइटिंग स्किल क्या किया होगा, लिखने का शैली डेवलप किया होगा, और जब तक आपका एग्जाम नहीं होता है क्लास 12 बोर्ड का, तब तक क्या करेंगे, आप लिखने का प्रैक्टिस करेंगे। मैं ऐसा जानता हूं, जैसे कोई भी चीज के बारे में पूछा, जैसे पूछा कि आपका आपका मैनेजमेंट से रिलेटेड पूछा कि प्रबंध किसे कहते हैं, तो आप उसको लिखिए, 2 लाइन 3 लाइन 4 लाइन 5 लाइन लिखिए। अगर आप लिखेंगे नहीं तो आपका एग्जामिनेशन सॉल्व में क्या होगा, 1 से 2 सेंटेंस आप लिखेंगे, उसके बाद आपको सेंटेंस से नहीं मिलेगा कि अगला पॉइंट हम क्या लिखें। तो अभी से मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, चाहे किसी भी बोर्ड के हैं, साइंस स्ट्रीम हो, कॉमर्स हो या आर्ट्स हो, वो लिखने का प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि एग्जामिनेशन में आपको लिखना है, बोलना नहीं है। तो आप क्या करेंगे, राइटिंग स्किल को डेवलप करेंगे, तो किसी भी आपका क्वेश्चंस को कितने कम शब्दों में, कितने अच्छे सेंटेंस को यूज करके आप लिख सकते हैं। और जब राइटिंग आप लिखे तो वहां पर अगर कोई आपका प्रेजेंटेशन है, कोई डायग्राम है, तो उसको भी क्या करें, आप यूज करें। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप इकोनॉमिक्स का एग्जाम देंगे, इकोनॉमिक्स का देंगे, आपका कॉमर्स वाले जो स्टूडेंट्स है तो इकोनॉमिक्स का देंगे, तो आपका डिमांड है, लॉ ऑफ डिमांड है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, आपका क्या है, परफेक्ट कॉम्पिटेटिव मार्केट है, आपका प्राइस आपका क्या है, तो ये सब जो आपका चैप्टर है इसमें डायग्राम यूज किया जाता है। जितने ज्यादा आप क्या करेंगे, डायग्राम वगैरह ग्राफ क्या करेंगे यूज करेंगे, आपका मार्क्स क्या होगा, ज्यादा मिलेगा। अगर बात कर लेते हैं किसका, मैनेजमेंट का, बिजनेस स्टडीज का, उसमें जैसे आपका क्या है, लेवल ऑफ मैनेजमेंट क्या है, लेवल ऑफ मैनेजमेंट, उसमें क्या करेंगे, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल, उसका क्या करेंगे, आप पिरामिड को क्या करेंगे,
पिक्चर देकर क्या करेंगे समझाएंगे तो आपका मार्क्स क्या होगा ज्यादा मिलेगा। और मैं बोल रहा हूँ ना कि आने वाले बहुत जल्द मैं अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज और इकोनॉमिक्स का भी क्या करूंगा, मैं वीडियो बनाकर अपलोड करूंगा कि कौन कौन सा क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में इंपॉर्टेंट है और आने का पूरा संभावना है, उसका बहुत जल्द मैं क्या करूंगा वीडियो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका मैं अकाउंट्स का, बीएसटी इकोनॉमिक्स का क्या करूंगा बनाकर अपलोड कर दूंगा। इसलिए अभी तक मैंने चैनल को अगर आप सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, इससे क्या होगा कोई भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा उसका सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, राइट। उसके बाद क्या है आपका आंसर शीट, इसको समझिएगा आंसर शीट। जैसे आपने क्या किया आंसर शीट लिखा, हम ये मान लेते हैं, कि आपका क्या है आंसर शीट, ठीक है, ये आपका क्या है आंसर शीट। तो जो आपका एग्जामिनर होगा वो क्या करेगा, जब आपका आंसर शीट देखेगा तो वो आपको थोड़ी ना जानता है कि आप राम है, श्याम है, आप गोपाल है, मोहन है, राधा है, आप क्या है, आपको थोड़ी ना वो जानता है, वो आपको आंसर शीट को देख के क्या करेगा जज करेगा। कौन? एग्जामिनर, जो आपका कॉपी चेक करेगा, आप गोरे हैं, आप सांवले हैं, आपका हाइट ज्यादा है, आपका हाइट एवरेज है, आप बॉयज है, आप गर्ल्स है, इससे एग्जामिनर को कोई मतलब नहीं है, वो आंसर शीट जो आपने लिखा है उसको देख के क्या करेगा वो समझेगा कि इसको कितना मार्क्स दिया जाए, ठीक है। तो आप आंसर शीट जब आप बनाएंगे तो ज्यादा कोशिश करेंगे क्या कि आप अच्छे से क्या करें राइटिंग में क्या करें लिखे, ज्यादा काट छाट ना करें। अगर अकाउंटेंसी, अगर कॉमर्स के स्टूडेंट से अकाउंटेंसी के हैं तो जो भी आपका फॉर्मेट बनाए, चाहे आपका पार्टनर्स कैपिटल का, पार्टनर्स क्रेडिट का, पीएल अप्रोप्रिएशंस का, या कोई भी जर्नल एंट्रेंस पास करें लेजर, तो वो सबका जो फॉर्मेट होता है उस फॉर्मेट में क्या करें आप अच्छे ढंग से क्या करें आप बनाए। उसके बाद क्या होता है स्केल से क्या करेंगे लाइन पाड़ेंगे, कोई भी कैलकुलेशंस करेंगे अकाउंटेंसी में तो वर्किंग नोट्स लिख के और अच्छे ढंग से क्या करेंगे लिखने का कोशिश करेंगे कि एक बार कोई देखे तो समझे कि हाँ बच्चा पढ़ने वाला है और उसको मार्क्स दिया जाए। इसलिए आप क्या करेंगे अपने आंसर शीट पे बहुत ज्यादा ध्यान देंगे, जितना अच्छा ढंग से आप आंसर शीट को लिखेंगे उतना ज्यादा पॉसिबिलिटीज है कि आपके एग्जामिनेशन में मार्क्स क्या होगा आपको ज्यादा मिलेगा। तो आपका आंसर शीट ही आपको रिप्रेजेंट करेगा, इस चीज को आप क्या करेंगे ध्यान रखेंगे। तो आंसर शीट को अच्छे ढंग से क्या करेंगे आप लिखेंगे, ये मैंने बता दिया। उसके बाद जो मेरा लास्ट पॉइंट है ऑल पेपर्स, इसको समझिएगा। मैक्सिमम मैंने देखा क्या है कि बहुत सारे टीचर्स या इंस्टीट्यूट भी क्या करते हैं किसी एक सब्जेक्ट पे क्या करते हैं फोकस रखते हैं। जैसे कॉमर्स है तो अकाउंटेंसी के बारे में ज्यादा बताएंगे, मान लेते हैं अकाउंटेंसी के बारे में पढ़े आप, ठीक है, अकाउंटेंसी में आपका 90-95 या 95 से भी अबव आया, और बाकी जो सब्जेक्ट है कॉमर्स का स्ट्रीम का, जैसे बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स, हिंदी, इंग्लिश, या जो ऑप्शनल लेते हैं, एक्स्ट्रा लेते हैं, इंटरप्रेनशिप, क्या उसका मार्क्स डिपेंड नहीं करेगा, सभी का करता है। याद रखिए, हम मान लेते हैं अकाउंटेंसी में आपने 98 नंबर लाया, 95 नंबर लाया, और बाकी जितने भी है बीएसटी इकोनॉमिक्स आपका, हिंदी, इंग्लिश, इंटरप्रेनशिप में वही आपने 50, 55 लाया, 60 लाया, ठीक है, तो परसेंटेज तो आपका कम जाएगा, राइट। इसलिए क्या करेंगे सारे जो आपका ऑल पेपर्स है, चाहे वो कॉमर्स वाला हो आपका अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स, हिंदी, इंग्लिश और इंटरप्रेनरशिप, चाहे साइंस वाला का जो जो होता है मैथ, बायोलॉजी, फिजिक्स आपका, हिंदी, इंग्लिश, या आर्ट्स वाला का होता है ज्योग्राफी, हिंदी, उसके बाद सिविक्स आपका, हिंदी, इंग्लिश, जो भी उनका होता है, तो सारे पेपर्स पे क्या करेंगे आप अच्छे ढंग से क्या करेंगे ध्यान देंगे, क्योंकि सारे पेपर्स को मिला के परसेंटेज डिपेंड करता है। ऐसा नहीं कि बस अकाउंटेंसी का आपने मार्क्स अच्छा लाया और अकाउंटेंसी पे क्या होगा आपका मार्क्स मिलेगा, ऐसा नहीं है, सारे पेपर्स को मिला के परसेंटेज डिपेंड करता है, ये आप याद रखेंगे। मैक्सिमम मैंने देखा क्या है सिर्फ अकाउंटेंसी, अरे ठीक है अकाउंटेंसी तो है ही मान लेते हैं, तो क्या बिजनेस स्टडीज इंपॉर्टेंट नहीं है, इकोनॉमिक्स इंपॉर्टेंट नहीं है, इंग्लिश इंपॉर्टेंट नहीं है, हिंदी इंपॉर्टेंट नहीं है, इंटरप्रेनरशिप इंपॉर्टेंट नहीं है, सभी इंपॉर्टेंट है और सभी को मिला के आपको परसेंटेज मिलेगा, इसको याद रखिएगा। तो ऑल पेपर्स पे क्या करेंगे आप ध्यान देंगे, तो अगर आप ये सारे आप क्या करेंगे आप पॉइंट्स को क्या करेंगे कंसीडर करेंगे तो आपका बहुत हद तक चांस है, मैक्सिमम आपका चांस यह है कि आपका परसेंटेज जो आने वाला है उससे क्या कर जाएगा इंक्रीज कर जाएगा। लास्ट में बस एक बात बोलना चाहते हैं कि स्टूडेंट्स लोग का काम क्या पूरा अपना 100% एफर्ट को क्या करे लगाए, मार्क्स क्या आएगा परसेंटेज क्या आएगा वो इस पर वे क्या करेंगे छोड़ देंगे, राइट। तो मेरे तरफ से बेस्ट ऑफ लक आपके एग्जामिनेशंस के लिए, मैं अपने ईश्वर से ही प्रार्थना करता हूँ कि जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं, चाहे कॉमर्स के रहे, चाहे आर्ट्स के रहे, चाहे साइंस के रहे, सभी का एग्जाम अच्छे ढंग से क्या हो संपन्न हो और सभी अच्छे ढंग से क्या करें आपका परसेंटेज लाए, अच्छे नंबरों से क्या हो जाए पास
हो जाए बहुत जल्द मैं बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स और आपका अकाउंटेंसी का जो आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एग्जामिनेशंस के लिए उसका वीडियो अपलोड करूंगा। इसलिए मैं फिर से बोल रहा हूँ कि अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट करके ऑल कर देंगे। इससे क्या होगा, कोई भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा उसका सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू।